हेलो एंड वेलकम। तो ये बिटकॉइन एंड क्रिप्टोकरेंसी मार्केट का वीकली अपडेट है। इस हफ्ते में बीटीसी क्या क्या कर सकता है ये हम देखने वाले, अल्टकॉइंस भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो और मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, वो है एयर ड्रॉप के बारे में, जो अपकमिंग एयर ड्रॉप है। देखो क्रिप्टो में एक चीज़ है कि जो हॉट है उसमें आप पार्टिसिपेट करना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो जैसे डॉग्स का अच्छा एयर ड्रॉप मिला लोगों को, वैसे ही एक अपॉर्चुनिटी है एयर ड्रॉप की। तीन अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको बताऊंगा जो इस पूरे मंथ में आप ले सकते हो, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमेशा की तरह सबसे पहले बिटकॉइन का अपडेट देखेंगे, फिर टोटल मार्केट कैप देखेंगे। टोटल मार्केट कैप 3 हम देखेंगे, बिटकॉइन डोमिनेंस और यूएसडीटी डोमिनेंस भी हम देखेंगे, ठीक है। अल्टकॉइन ट्रेडिंग के लिए यूएसडीटी और यूएसडीटी डोमिनेंस, बीटीसी डोमिनेंस, टोटल मार्केट कैप 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम सब कुछ कवर करने वाले, वीडियो एंड तक देखिए। उससे पहले लास्ट जो वीडियो था, लास्ट मंथ में था आई थिंक, उसमें मैंने आपको अपडेट दिया था कि ये हमने लेवल निकाली थी 53,500, तो उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया और वो होल्ड किया मार्केट ने। उसके बाद अभी 58,500 का जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे आके मार्केट रुक गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो अपडेट अच्छे से सुनना और लेवल्स, रेजिस्टेंस क्या क्या लेवल्स है वो मैं आपको अभी अपडेटेड दे दूँगा। अब देखो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा मंथली चार्ट, ठीक है। अब हम मंथली चार्ट पे अगर जाते हैं और EMAs अगर ऑन करते हैं तो देखिएगा कि हम अभी 20 EMA के ऊपर है, तो मंथली के ऊपर थोड़ा बहुत बुलिश है ऐसे हम बोल सकते हैं अभी भी बिटकॉइन, ओके। अब वीकली चार्ट के ऊपर आएंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर देखो कैसे 50 EMA का सपोर्ट लिया, जो मैंने आपको बताया था ना कि एक बार ऊपर गया तो 50 EMA के आसपास सपोर्ट बनना चाहिए, सपोर्ट नहीं बनता है तो क्रैश हो सकता है मार्केट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सपोर्ट बना है 50 EMA के आसपास वीकली, और एनगल्फिंग कैंडल बना के बैठा, देखो कैसे बुलिश एनगल्फिंग है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ से थोड़ा रिवर्सल हो चुका है, ओके। तो बिगिनर्स कोर्स, ट्रेडिंग कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसने किया नहीं है वो चैनल के ऊपर कर सकता है, फ्री में पूरा 22 पार्ट्स का ये कोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल तो बन चुकी है बुलिश, ओके। अब इसके बाद क्या है ये हमें लेवल वाइज मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आते हैं हम डेली चार्ट के ऊपर। अब डेली चार्ट के ऊपर अगर आते हैं तो ये बड़ा सा चैनल आपको दिखेगा जो वीकली के ऊपर बेसिकली। तो इस चैनल के बाद अभी 200 EMA के नीचे, डेली के 200 EMA के नीचे ओवरऑल एक रेंज में ऐसे मार्केट अभी काफ़ी, आई थिंक मार्च के बाद हम रेंज में ही है BTC। देखो तब से मार्च के बाद, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गया तो भी ऐसे ही होता है, ठीक है। अगस्त काफ़ी बेरिश था और सितंबर जो होता है ना, मोस्टली मैंने देखा कि पास्ट के जो एक्सपीरियंस है मेरे उसमें बताता हूँ कि सितंबर में ज़्यादा कुछ होता नहीं, मार्केट होल्ड करता है, बुल्स बेयर दोनों मार्केट को होल्ड करते हैं या फिर बेरिश होता है, बुलिश तो कभी ज़्यादा करके होता नहीं मार्केट। अभी थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत बुलिश है, नो इशू। अब इसके ऊपर अगर 60,500 क्रॉस करके बुलिश हो जाता है तो 64,000 तक जाने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। सुपर बुलिश कब होना है आपको कि इसके बाद मार्केट ट्रेंड तोड़ सकता है और यहाँ से ऊपर की तरफ, मतलब ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर सकता है, वो लेवल है 64,000 या 65,000 के आसपास ये लेवल है। ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है ना तो काफ़ी बुलिश यहाँ से हो सकता है, ओके। बेरिश सिनेरियो भी आपको बता देता हूँ कि BTC कहाँ पे बेरिश हो सकता है। तो नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे यहाँ पे डेली के ऊपर एक नई ट्रेंड लाइन आपको मिल जाएगी, बस इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट चला गया ना तो समझ लो मार्केट खत्म है अभी के लिए। 55,000 अगर ब्रेक कर देता है मार्केट बाय एनी केस, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आ जाता है तो फिर BTC 49, 48, 47 कहीं भी जाके रुक सकता है, ठीक है। मोस्टली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 49 तक आने के ज़्यादा चांसेस है, तो देखते फिर वो तो मार्केट ही बताएगा क्या करना है उसको एट दैट टाइम, ठीक है। अभी के लिए तो हमारे पास एक ही लेवल है 55,000, वो ब्रेक हो जाती है तो हम बेरिश हो सकते हैं 49,000 तक, ये आप अच्छे से याद रखना। तो नीचे की ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करके रख दो, ऊपर की तरफ 60,500 के ऊपर अगर जाता है तो ही थोड़ा बहुत बुलिश सिनेरियो बनता है 64,000 तक, 64 के ऊपर चला गया तो काफ़ी अच्छा यहाँ से बुलिशनेस हमें मार्केट में दिख सकता है, ओके। अब आता है टोटल मार्केट कैप की तरफ। टोटल मार्केट कैप मतलब इसमें बिटकॉइन है, इथेरियम है और बाकी के भी इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, अल्टकॉइंस भी, ठीक है। तो बेसिकली ये भी सेम चार्ट बना के बैठा है, मैंने आपको ये लेवल दी थी यहाँ पे नीचे की तरफ, वहाँ पे सपोर्ट लिया है चैनल के ऊपर, फिर से बाउंस किया है। अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम सपोर्ट की तरह इसको मान सकते हैं, इसके नीचे अगर जाता है तो समझ लो कि मार्केट कैप वीक हो रहा है, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है तो फिर ज़्यादा क्रैश हमें देखने की यहाँ पे चांसेस है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ तो वैसे भी ये हाई क्रॉस नहीं होता है, प्राइस एक्शन जब तक चेंज नहीं होता है तब तक बड़ा कुछ होगा नहीं, तो देखते अभी फिलहाल तो होल्ड कर रहा है, वीकली के ऊपर भी अच्छा सपोर्ट बन रहा है, तो ये 100 EMA जो है वीकली की ये इसको होल्ड कर रही है तो अच्छी बात है, देखते मार्केट कब तक होल्ड करता है, तब तक इसमें अच्छा होगा मार्केट के लिए। टोटल मार्केट कैप 3 अगर हम देखेंगे तो सेम सिनेरियो है, यहाँ पे वीकली के ऊपर है, डेली के ऊपर अगर हम जाके देखें वैसे भी सारे EMAs के नीचे, वीकली के ऊपर देख लो वही 100 EMA है, 100 EMA काफ़ी अच्छा होल्ड कर रही है, ये होल्ड करना चाहिए। यहाँ से अगर बेरिश होता है तो फिर टोटल मार्केट कैप काफ़ी बेरिश हो सकता है, 400 इस जोन में भी आ सकता है, वहाँ पे आपको अल्टकॉइंस बाय करने की अच्छे चांसेस मिल सकते हैं, लेकिन 100 EMA अगर होल्ड करती है तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस भी बनते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी BTC के ऊपर डिपेंड होता है मोस्टली, आपको पता ही है। और वीकली के ऊपर अगर डोमिनेंस अगर देखेंगे, बिटकॉइन डोमिनेंस, तो ये आई थिंक हमने 2 साल से यही देख रहे हैं हम,
तो 60% तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वहाँ तक जाने के चांसेस है। वहाँ से अगर ये ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ब्रेक करता है तो शायद हमारे लिए बुल रन आने के चांसेस स्टार्ट है वहाँ से, ऐसे हम सोच सकते हैं। ठीक है, देखते अभी वो तो मार्केट ही बताएगा। और यूएसडीटी डोमिनेंस एक बार देख लेते हैं। यूएसडीटी डोमिनेंस में मैंने आपको एक चैनल बना के दिया है ना, ये चैनल अभी 200 एमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इनकेस ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, यूएसडीटी डोमिनेंस अगर गिरता है तो मार्केट बुलिश होता है, और अगर ये चैनल ब्रेक करके बाहर निकलता है बाय एनी चांस तो ये रेजिस्टेंस तक हम अल्टकॉइंस को बेरिश देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे यूएसडीटी डोमिनेंस भी हमें दिखा रहा है, वो बीच में ही खड़ा है, वैसे भी वहाँ पे कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे बीटीसी अभी चैनल बना के बैठा है। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स ऐसे अभी निकल रहे हैं। अभी थोड़ा मैं आपको एयर ड्रॉप्स के बारे में बता देता हूँ, जो एयर ड्रॉप्स अभी आने वाले हैं। 3 एयर ड्रॉप्स है, तीनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम अगर आपके पास इंस्टॉल है तो तीनों एयर ड्रॉप्स आप ले सकते हो। और ये कैसा कि हाई जो टॉप टीयर एक्सचेंज जैसे बाइनेंस है, बाइबिट है, इनके ऊपर आने वाले टोकन से, इसलिए इस एयर ड्रॉप में काफ़ी पोटेंशियल है। मैं भी ज़्यादा एयर ड्रॉप्स करता नहीं हूँ, लेकिन ऐसे अगर कुछ है जिसमें पोटेंशियल है तो मैं डेफिनेटली आपको भी रिकमेंड करता हूँ। ज़्यादा कुछ करना नहीं है तो बहुत ईजी टास्क है अपने लिए, वो डिटेल में आपको दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला एयर ड्रॉप है कैटीजन, ओके, और ये इसका बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग वगैरह सब कुछ कन्फर्म है मोस्टली, ओके। तो अभी इसमें करना कि आपको 20 सितंबर तक ये लिस्ट हो जाएगा मेजर एक्सचेंजेस में, उसके पहले आपको एयर ड्रॉप में मिल सकता है टोकन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि कैटीजन जो गेम है वो लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सारे गेम्स की तीनों की लिंक है, वहाँ से आप जा सकते हो। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि वो कैट से उनकी लेवल्स बस बढ़ानी है आपको, और 20 सितंबर तक जितना हो सके आप सिल्वर या गोल्ड में आके आपको अकाउंट यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, अगर वो एलिजिबल हो जाते तो वैसे भी लिस्ट होने वाला है, उसमें एयर ड्रॉप आपको मिल सकता है। ठीक है, तो कैटीजन एक फर्स्ट गेम है। दूसरा जो है हैमस्टर कॉम्बैट है, जो काफ़ी महीनों से लोग ऑलरेडी खेल रहे हैं, लेकिन ठीक है अभी एंड फेज है तो अभी भी आप इसमें एयर ड्रॉप ले सकते हो। ठीक है, तो इसका जो है वो 26 सितंबर के आसपास है, ओके, लॉन्च, तो तब तक आपको टाइम है। वैसे कैटीजन का वेरियस 20 सितंबर है तो आने वाला डेट अभी 26 सितंबर वैसे टाइम है, और 30 सितंबर को एक्स एम्पायर का एयर ड्रॉप हो सकता है। 17 दिन है इसकी माइनिंग, तब तक चलती रहेगी, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तीनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी आड़े मेढ़े एयर ड्रॉप्स आते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सिंपल है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो तीनों लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, और फ्री का पैसा है तो क्यों वेस्ट करो ना, तो कमा लो जो भी है मिलता है, वो एयर ड्रॉप अच्छा मिल गया तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीक में। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।